हरियाणा में नववर्ष की रात भी शांति नहीं रही। बदमाशों ने पुरानी रंजिश के तहत 46 वर्षीय अधेड़ की तेजधार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। मामला अंबाला कैंट के गांव बोहू का है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने से पहले रेकी की और घर से चंद कदमों की दूरी पर ही तेज हथियार से कई बार वार करते हुए निर्मम हत्या कर दी। वारदात के बाद बदमाश फरार हो गए। हमले की भनक जैसे ही परिजनों को लगी, वो मौके पर पहुंचे और खून से लथपथ संजय को सिविल अस्पताल अंबाला कैंट ले गए, जहां डॉक्टरों ने संजय को मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक संजय के मुंह, माथे व जांघ समेत शरीर पर कई जगह हथियार से वार के निशान मिले हैं। हमले में एक हाथ की दो उंगलियां भी कटी हुई थी। महेश नगर थाने पुलिस से पहुंचे जांच अधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोगों के मुताबिक बाइक पर तीन युवक आए थे और उन्होंने घर से कुछ ही दूरी पर पहुंचे संजय पर हमला बोल दिया। पुलिस ने हत्यारोपियों के खिलाफ धारा 302 व 34 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। समय पहले सूचना मिली थी कि बो गांव में कोई मर्डर हो गया और डेड बॉडी सिविल अस्पताल में है, तो यहाँ सिविल अस्पताल में पहुंचे थे कैंट, बॉडी का निरीक्षण कराया, काफ़ी गांव हैं उसके शरीर पर तेज धारा हथियार हो गए हैं, तो आगे जाँच कर रहे हैं, जैसे भी जाँच में आगे पाएगा और बारिश की स्टेटमेंट लेकर जैसे भी कार्रवाई होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। संजय राणा खेतीबाड़ी का काम करता था और उसके दो बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि पुरानी लड़ाई की रंजिश रखते हुए गांव बोहू के गौरव, अतुल, राहुल व ईशान ने तेजधार हथियारों से इस हत्याकांड को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए रेड कर रही है। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।